तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश स्कोर का, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में होता है, लेकिन आज 28 मार्च को केवल इंग्लिश स्कोर का हुआ। और एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन कल जो साइंस और कॉमर्स वाले का इंग्लिश स्कोर है उसमें आएगा, क्योंकि दोनों का किताब एक ही चलता है। तो आज मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, तो जिन्होंने अपना एग्ज़ाम आज दिया है वो सभी जल्दी से मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो चलिए पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेते हैं। सावधानी पूर्वक सभी विवरण OMR आंसर शीट पर भरें। आप अपना पूर्ण हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करें। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता एक अंक की है। OMR उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पर प्रदत्त सभी निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा उसके अनुसार कार्य करें। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको अपने OMR उत्तर पत्रक पर ठीक ठीक गहरा काला करें। नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें। पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। कृपया परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक वीक्षक को लौटा दीजिए। प्रश्न पुस्तिका आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो पहले आपको ये पैसेज पढ़ना है, तो ये मैं पैसेज जूम कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, और जिनके पास तो क्वेश्चन है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे से इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग इसका आंसर देखने वाले हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन चिल्ड्रन लर्न टू राइट बाय हैंड। तो इसका सही आंसर है बिकम वीक। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ ब्रेन व्हेन ए पर्सन राइट रीफ्रेम्स कंटेंट्स। विच पार्ट ऑफ ब्रेन एरिया गेट एक्टिवेटेड व्हेन ए पर्सन ड्रॉज फ्री हैंड रीडिंग एंड राइटिंग एरिया। विच मोड हेल्प चिल्ड्रन परफॉर्म बेटर इन कंपटीशन टाइप ऑन कीबोर्ड। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग डाउन नोट्स बाय हैंड। स्टूडेंट कैन लेटर कॉपी फ्रॉम अदर्स नोटबुक। व्हाट हैपेंस इन लेबोरेटरी सेटिंग एंड क्लासरूम स्टूडेंट लर्न बेटर। विच ऑफ द गिवन वर्ड्स मीन सेम एज एग्जिबिटेड इन पैराग्राफ 3 इंक्रीज्ड। फिर है आपको दूसरा पैसेज। कल्पना चावला वाज बोर्न इन जुलाई 1961 इन करनाल हरियाणा। सी वाज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड एन इंजीनियर। सी वाज द फर्स्ट वुमेन ऑन इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस। चावला ऑब्टेंड ए डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। सी इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड बिकम ए सिटीजन इन 1980। सी वाज सेलेक्टेड बाय नासा एंड एरोनॉट कैंडिडेट इन 1994 एंड आफ्टर ए ईयर ऑफ ट्रेनिंग सी बिकम ए क्रू रिप्रेजेंटेटिव एस्ट्रोनॉट ऑफ इस EVA रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर ब्रांचेस। सी वेंट टू स्पेस इन 1997 ऑन द स्पेस शटल कोलंबिया एज ए मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। सी लॉस्ट हर लाइफ ड्यूरिंग STS-107 मिशन वेन द स्पेस शटल कोलंबिया डिसइंटीग्रेटेड ओपन री इंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। हुआ कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी, अंतरिक्ष यात्री थी। फ्रॉम विच कॉलेज डिड सी ऑप्टेन हर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। हुआ द नेम ऑफ स्पेस शटल ऑन विच शी वॉज फ्लाइंग। कोलंबिया। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में हरियाणा में पैदा हुई थी वो। नासा सेलेक्टेड चावला एज एस्ट्रोनॉट इन 1994। इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड। हम लोग नोट मेकिंग में क्या लॉन्ग सेंटेंसेस को नहीं लिखते। ए समरी शुड कंटेन कीवर्ड में समरी में कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। तो नोटिस के टॉप में क्या लिखा जाता है, उसमें इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो उसको ऑर्गेनाइज करता है उसका नाम लिखा जाता है। वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस इन नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन का उपयोग कहाँ होता है, तो देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ए नोटिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस, दिस इज टू इन्फॉर्म डेट। इसमें कहा जा रहा है कि आप जो नोटिस लिखते हैं तो उसका सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप उसको, तो हम लोग दिस इज टू इन्फॉर्म ये लाइन से अगर शुरू करते हैं तो ये सबसे इन चारों ऑप्शन में सबसे बेटर तरीका है। हाउ डू यू बिगिन राइटिंग ए कंप्लेंट लेटर, बिगेंस विद डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल टाइटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर, सर मैडम, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास, द विलेज एल्डर्स, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, द फ्रांसो पर्सियन वार, साहेब मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज एक्साइटमेंट। जब वह टेनिस खेल रहा होता है तो वह उसको बहुत ही उत्सुकता पूर्वक देखता है। What do you think Sahib is referring to as they in the sentence given below? When they will build one, I will go. तो they का मतलब क्या, वो जर्नलिस्ट जो उनसे बोली थी कि अगर आप, मैं स्कूल बनाता हूँ तो आप वहाँ पर आइएगा। Who insist on being his own master, Mukesh? Who insist on being his own master, Mukesh? What makes the city of Firozabad? ग्लास बैंगल, वहाँ चूड़ी सबसे ज़्यादा बनती थी। डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन, डीप वाटर को किसने लिखा था, विलियम और डगलस। व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंथ्रोट, टू नो फॉर श्योर डेट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्रोनिंग इन वाटर, फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट दिस हर्ट हैंड। तो इसका कौन लिखा, ये पेब्लो नेरुडा, कीपिंग क्वाइट से लिया गया ये। व्हाट डज द पोएट एक्सेप्ट फिशरमैन नॉट टू हार्म वेल्स, वो कहती है कि हम लोग वेल को हानि नहीं पहुँचाएँ। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वेयर वॉज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू, वह ड्राइविंग करते हुए कहाँ जा रही, कोचिन एयरपोर्ट। और जब एक और इसे क्वेश्चन रहता था, व्हाट वाज कमला ड्राइविंग फ्रॉम, तो जब फ्रॉम रहता था तो वो पेरेंट्स फ्रॉम, अगर ड्राइविंग टू तो कोचिन एयरपोर्ट। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट कमला दास, उसकी माँ उसके बगल में बैठी थी। हु सीट एट द बैक ऑफ डिम क्लास, ए स्वीट एंड यंग चाइल्ड, एक सुंदर और जवान लड़का। हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन, बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज एंड इनजस्टिस। द नेम ऑफ द प्रोग्राम टेट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द एंड ऑफ द अर्थ इज अ स्टूडेंट ऑन आइस, ये प्रोग्राम था। हाउ मैनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका, तो 9 टाइम जोन था। लेट टाइगर ब्योर हु सेड दिस, तो ये किसने कहा था, द प्रिंस जंग जंग बहादुर, प्रतिबंधपुरम के प्रिंस राजा ने कहा था। हाउ मैनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश गुड लेडी, तो उन्होंने 50 रिंग भेजा था। सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, तो सदाओ अमेरिका क्यों गया था, वो सर्जरी एंड मेडिसिन के लिए। तो चलिए ये फिर टर्म टू का क्वेश्चन आ गया, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 सब्जेक्टिव टाइप कोर्स, इसमें ये 40 नंबर का है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, उपांत के पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। एक से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर वेरी शॉर्ट एंसर टाइप आंसर, और 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 30 वर्ड्स इच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। जो 6 से 8 का है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आंसर एनी 2 ऑफ दिस मैक्सिमम 100 वर्ड में देना है आपको, कैरीज 5 मार्क। 9 से 15 आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप है, और उसमें 7 क्वेश्चन दिए गए उसमें 5 करना है, और सब 50 वर्ड मैक्सिमम जाना है आपको, और 3 नंबर का सब क्वेश्चन है। 16 से 17 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसमें आपको 100 वर्ड लिखना है 5 नंबर का। तो ये पैसेज है, पैसेज को आपको पढ़ लेना है। ये देखिए गांधी जी वाज ए राइप एज, इसको आपको पढ़ना है, पैसेज पढ़ रहा है, पढ़ लेना है आपको। और जो जो यहाँ क्वेश्चन बोला है, व्हाट डज द राइटर से, गांधी जी इंड वाज सडन एंड शॉकिंग टू होम, वाज द शॉक एंड सोरो हार्ड टू बियर, व्हाई वाज गांधी जी नेवर कंसिडर एज एन ओल्ड मैन, हाउ डिड गांधी जी सर्व हिज काउज व्हेन हिज डेथ, Even in his death, find the word passage which means energy and history. P
फिर है क्या, यू आर यूथ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप फॉर ए नोबल काउज, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द इंटरेस्टेड सीनियर स्टूडेंट टू कम फॉरवर्ड टू दिस, यू आर लक्ष्य चौहान वृंदावन सोसाइटी हिंदू रांची, यू फाइंड डेट देर आर वेस्ट डंप ऑफ मास्क एंड एसोसिएटेड वेस्टेड फ्रॉम हॉस्पिटल एंड देयर, राइट ए लेटर टू द एडिटर स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग बैड इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स एंड इट्स सेल्फ डिस्पोजल। तो आपको लक्ष्य चौहान है वृंदावन सोसाइटी हिंदू रांची के, आपको एक लेटर लिखना है एडिटर के पास, जिसमें जो मास्क रहता है उसका ढेर सा जो कूड़ा है वो जमा हो गया और उससे रिलेटेड बहुत सारा वेस्ट हॉस्पिटल और यहाँ वहाँ छिटा हुआ है, लेकिन आपको उसके निपटान के लिए एडिटर के पास लिखना है और आपको ये बताना है कि इसको जानवरों पे इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यू रिसेंटली अटेंड ए सेमिनार ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग योर बॉडी फिट, राइट ए रिपोर्ट अबाउट इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, इसको आपको 100 वर्ड में लिखना है। राइट एनी 5 फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 15 वर्ड इच ऑफ क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड क्रॉफ्टर हैड इन पॉच, हाउ डिड अर्न, ये पूछ रहा है कितना मनी था उसके पास और वह कैसे अर्न किया था, उसके पास 30 करोड़ से उसको क्या बेच के, कृमि को बेच के वह कमाया था। वह राजकुमार शुक्ला, वह इज कॉल्ड रिजोल्यूट, राजकुमार शुक्ला कौन था और वह रिजोल्यूट, वो एक पुअर पुअर पीजेंट था और वह चंपारण का रहने वाला था और रिजोल्यूट के कहा गया था, वो गांधी जी का जी के पास गया और वहाँ जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ उनको फॉलो करते गया और जब गांधी जी उसके गांव आ गए तभी वह माना उससे, तो इसलिए उसको रिजोल्यूट किया गया। फिर व्हाट थिंग्स वर सोल्ड ऑन द रोड साइड स्टैंड, उसको लिखना है व्हाट इज वॉर, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड, हु वाज जी ऑफ, व्हाई वाज ही इंटरेस्टेड इन शॉपिंग स्टोरी, हु रोट द अंडर द पेन नेम बामा, व्हाट आउट हैज शी डिस्कस्ड द पैसेज, वी आर टू ह्यूमन बीइंग, व्हाट वाज द मेन कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण का मेन जो है वाणिज्यिक फसल क्या था, व्हाट डिड ब्रिटिश फोर्स द फार्मर फॉर इट्स प्रोडक्शन, फिर है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर, पेडलर का कैरेक्टर स्केच लिखना है, हु वाज मिस्टर लैम, डिस्कस अबाउट हिज लाइफ, दोनों में कोई एक क्वेश्चन लिखना है, लैम कौन था उसके जीवन के बारे में डिस्कस करके लिखना और या तो फिर पेडलर का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इस अगर आप चाहते हैं कि मैं जैक बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करता रहूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।